किन राज्यों ने कहाँ पर क्या अच्छा किया है और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं। योगी जी, आपका विजन बहुत बड़ा है, सराहनीय है। देखते हैं आगे 4 सालों में कैसे निवेश आता है, उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति करता है। कुछ चीज़ें जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 5 सालों में आपने, बल्कि 6 सालों में आपने बहुत अच्छी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। नीचे के लेवल पे करप्शन हावी रहता है, तो क्या कहीं पे आप इसकी वजह से कोई फास्ट ट्रैक डेस्क बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, जिसमें से अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करना पड़े, निवेश लाना हो, तो वो सीधे आपके पास तक पहुंच सके? देखिए, पास पहुंचने की अब नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लॉ ऑर्डर, इसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने चेंज करके रख दिया है जी, और इसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है। एक दूसरा है कि कोई भी निवेशक आज हमारे साथ एमओयू कर रहा है तो हमने उसको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, जहाँ पे 350 से अधिक क्लियरेंस उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। हाँ, निवेशक को उन क्वेरीज का जवाब समय से देना होगा जो वहाँ से उससे मांगी जाए, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनको सुविधा प्राप्त होंगे। एमओयू पूरा होने के बाद जब निवेश जमीनी धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी एक नया पोर्टल उनका इंतजार कर रहा है, एक व्यवस्थित तरीके से उसे जमीनी धरातल पर उतारना। निवेश जमीनी धरातल पर उतर हो चुका है तो आईएमएस इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम से वो स्वयं जुड़ जाएगा, कब कब शासन का इंसेंटिव निवेशक को जाना है, ये सब ऑटो मोड में सब होता हुआ दिखाई देगा। ये तीन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं हर एक निवेशक के लिए, और मेरा मानना है कि ये किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त सीएम कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं करेगा। तो आप इस पर खुद एक नज़र बनाए हुए हैं, खुद देख रहे हैं इसको। योगी जी, इस बार बहुत हल्ला था कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाने वाले हैं, आखिरी में आपने जाने का इरादा बदल दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मेरी यहाँ व्यस्तता थी हमारे सामने उसी समय। देखिए, अगर मेरा ये कार्यक्रम जो है किसी एक उसके साथ बनता, जो है नवंबर में अगर दुनिया में हमारी टीम गई होती तो हम लोग उस समय अपने उस टीम के साथ, उस समय मेरा भी कार्यक्रम एक बार कुछ जगह जाने का था, उसी समय कुछ राज्यों में इलेक्शन आने के नाते, अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने के नाते हम लोग कार्यक्रम नहीं दे पाए, मैं जा नहीं पाया। बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 से संबंधित समिट एक साथ आ गई तो मेरी यहाँ लोकल व्यस्तता के नाते मैं फिर वहाँ के लिए समय नहीं निकाल पाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को जो समर्थन मिला वह बहुत उत्साहजनक था। योगी जी, थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हटते हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मुझको अभी गुजरात के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि टिकट कटवाने का इंतज़ाम कर लीजिए, 1 जनवरी को जाकर रामलला के दर्शन करने अयोध्या में। तो क्या January 1 के बाद सब लोग रामलला के दर्शन अयोध्या में जाकर कर पाएंगे? क्या आप अपने टाइम लाइन पे प्रतिबद्ध हैं? देखिए, मंदिर अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ चुका है और जो टाइम लाइन दी गई है उसके अनुरूप वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी होगा और रामलला समय से अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत गौरव का दिन होगा जिस दिन रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो इसमें 1 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे जैसा कि उसके बाद से जो भी कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा उसके अनुरूप सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। एक विवाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो चला है वो है रामचरितमानस के का विवाद, और ऑपोजिशन जो है इस पर काफ़ी हावी है,
इस पर चर्चा करती जा रही है, आपका आपका क्या मत है इस पर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए,